Good afternoon, everyone. Welcome at GK Rajasthan YouTube channel. So, guys, now we have 30 questions today. आज हमारे पास 30 क्वेश्चन हैं और 30 क्वेश्चन को आप एक एक क्वेश्चन को एफर्ट के साथ इसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करिए. राइट. तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. राइट. तो क्वेश्चन है द सिंगुलर ऑफ, हाँ, सिंगुलर फॉर डायग्नोसिस. मतलब यू कह लीजिए कि थोड़ा क्वेश्चन उल्टा बना दिया गया है. ये है किसमें? प्लूरल फॉर्म में है. किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है. इसका सिंगुलर बताना है आपको. माय गॉड, जब सिंगुलर से प्लूरल पूछ लेता है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, या प्लूरल से सिंगुलर पूछ लेता है तो बहुत प्रॉब्लम. इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. बताइए क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा. पहले आप बताएंगे, फिर फाइनली आई विल टेल यू. राइट. तो क्या होगा जल्दी बताइए, फिर मैं आपको एक तरीका भी बता दूंगा जिससे आपसे गलती नहीं होगी. बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा. तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, इसका सिंगुलर होता है डायग्नोसिस. राइट. इसमें क्या होता है, जब ये आपका क्या है, सिंगुलर बनता है तो एस आई एस रहता है. ठीक. जब सिंगुलर रहता है तो एस आई एस रहता है सिंगुलर फॉर्म में, और जब ये प्लूरल हो जाता है तो यहां पे आई के जगह पे हम ई कर देते हैं. क्या कर देते हैं? ई कर देते हैं. डायग्नोसिस हो जाता है. तो देखिए यहां पर क्या है, ये राइट, ये प्लूरल है, और ये देखिए पी एल यू आर ए एल. क्लियर है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिएगा कि ध्यान दीजिएगा कि जब ये क्या होगा, सिंगुलर होगा तो एस आई एस मतलब आई होगा, और जब से हम प्लूरल बनाएंगे देखिए तो ये आई के जगह पे हम ई कर देते हैं. आई होप क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, द करेक्ट लैक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर फेनोमेनन. ध्यान दीजिएगा, ये फेनोमेनन क्या है, ये प्लूरल है. क्या है? प्लूरल है. और इसका आपको क्या बताना है, इसका बताना है सिंगुलर क्या होगा. बताइए, पहले आप बताइए, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर. बताइए जल्दी करिए. वेरी गुड. तो मैं आपको एक क्लू दे देता हूं जिससे आपको गलती नहीं होगी. दो ही वर्ड ऐसे हैं, जैसे एक वर्ड है मैं बता रहा हूं सी आर आई टी ई आर आई ओ एन, क्राइटेरियन. राइट. और दूसरा है बच्चे फेनोमेनन, पी एच फेनो मे नॉन. ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, फेनोमेनन. तो देखिए जब ये सिंगुलर रहता है तो ऑन रहता है, जब ये सिंगुलर रहता है तो ऑन रहता है, और जब इसे हमें प्लूरल बनाना होता है तो इसको हम हटा करके जोड़ क्या देते हैं, ए. ध्यान दीजिएगा, इसको हटा के हम लोग क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं. तब जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्राइटेरिया. क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया. ये आपका प्लूरल. देखिए मैंने ए जोड़ा, इसको हटा दिया, और फेनोमेनन का फे नो मे ना. आई होप आपको याद हो गया होगा. बहुत अच्छा रूल है, जब रूल के हिसाब से चीजों को आप लर्न करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी. आई प्रॉमिस यू. ठीक है. ऑल राइट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज वेट. ओके. ऑल राइट. वेरी गुड, एकदम सही हो गया. थैंक यू फॉर दिस कोऑपरेशन. चलिए. ऑल राइट. तो ये हो गया फेनोमेना. ठीक है. तो यही चीज पूछ रहा है कि लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ये क्या है, प्लूरल वर्ड है. क्या है? प्लूरल है. ये प्लूरल है. राइट. अब इसका सिंगुलर क्या होगा? फेनोमेना. एकदम समझ में आ गया. एक से दो बार इसको आप अगर लिख लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए प्लूरल ऑफ हैंडफुल. प्लूरल ऑफ हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा? बताइए, पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूं. तो ध्यान दीजिएगा, हैंडफुल का प्लूरल होगा हैंडफुल्स. हमेशा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है,
हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा? हैंडफुल्स। हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा? हैंडफुल्स। दो तीन बार बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए, वैसे भी याद हो जाएगा। दो तीन बार लिखिए, दो तीन बार पढ़िए, दो तीन बार लिखिए, दो तीन बार पढ़िए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए, ओके इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड। सॉरी, नेक्स्ट, प्लूरल ऑफ वुमेन डॉक्टर, क्या बात है? प्लूरल आप कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना, दोनों वर्ड का प्लूरल बनाया जाता है, तो विमेन डॉक्टर में दोनों का प्लूरल बनाना है। आई होप कि क्लू मिल गया है और आप अब कर लेंगे, ठीक है। बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। ओके, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? विमेन, डब्ल्यू ओ एम ई एन, विमेन डॉक्टर्स। तो वुमेन डॉक्टर का क्या हो जाएगा? देखिए, ये भी प्लूरल होगा वर्ड और ये भी प्लूरल होगा, तो जाहिर सी बात है विमेन डॉक्टर्स। क्या होगा प्लूरल? विमेन डॉक्टर्स। क्या होगा प्लूरल? विमेन डॉक्टर्स। ओके, ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। प्लूरल ऑफ गूस, गूस मींस होता है हंस। प्लूरल ऑफ गूस का क्या होता है? देखिए मैं बता देता हूं आपको। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंदर के वॉवल को चेंज कर प्लूरल बनाया जाता है। बोलिए मेरे साथ, कुछ ऐसे वॉवल्स होते हैं जिनके अंदर के वॉवल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। मैं बता देता हूं, आप पकड़ लेंगे। जैसे फूट का अगर हमें प्लूरल बनाना होगा तब क्या हो जाएगा? फीट हो जाएगा, ठीक है। और टूथ का अगर हमें प्लूरल बनाना होगा तो क्या होगा? बताइए, टीथ होगा। बोलिए, टीथ होगा। माउस का प्लूरल बनाना होगा एम ओ यू एस ई, तो क्या होगा? माइस होगा। अब आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। किस किस ने गेस किया, बोलिए। यस, ट्राई, मेक एफर्ट। ओके, सभी लोगों ने कर लिया होगा। सर एकदम पकड़ में आ गया, गीस होगा। कितना आसान हो रहा है इंग्लिश, बोलिए। लग रहा है आसान? बिल्कुल लग रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, If you work hard, ये आपका right common error है। If you work hard, question को पढ़ लीजिएगा, ये question है। If you work hard के बाद क्या है? तो देखिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। If you work hard, तो इसमें आंसर क्या होगा बताओ बच्चे? If you work, मैं लिख दे रहा हूं, If you work hard, right? If you work hard, बताइए क्या होगा? If you work hard, तो क्या हो जाएंगे आप? You will, if you work hard, तो आप क्या करेंगे? You will pass. Guys, if you do hard work, if you work a lot, you will pass. You will get a job. Okay, let's go ahead. Okay, next question. आराम से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। All right. वेरी गुड। चलिए, क्या हो जाएगा? इफ ही, आई वुड हेल्प हिम। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये कंडीशनल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? इफ ही केम, अगर वो आया होता तो मैं उसकी मदद किया होता। इफ ही केम, सी ए एम ई, आई वुड हेल्प हिम। If he came, I would help him. दो तीन बार बोल दीजिए। अगर आता तो मदद किया होता मैं, आया ही नहीं, मदद किया ही नहीं। Alright, next question की तरफ बढ़िए फटाफट। ये भी question बहुत बढ़िया है, ये भी conditional है। If he, I would have helped him. देखिए बहुत अच्छा question है। If he had come. If he had past में एकदम, अगर वो आया होता, बहुत समय पहले की बात है, अगर आप बहुत पहले आए होते तो मैं आपकी मदद जरूर किया होता। If he had come to me, I would have helped him. बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, इस तरह का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, अगर क्वेश्चन टफ लग रहा है इसका मतलब अपने लेवल को बढ़ाना है। क्या करना है? लेवल को बढ़ाना है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ईच ऑफ, देखिए, सो वेट वेट, ईच ऑफ द बॉयज अ प्राइज। देखिए पहला क्वेश्चन होगा डिजर्व, और दूसरा ऑप्शन होगा डिजर्व्स एंड इज डिजर्विंग। बताइए आंसर क्या होगा? मैं फिर से दिखा देता हूं क्वेश्चन।
each of the boys. बेटे आंसर क्या होगा? डिजर्व, डिजर्व्स इज डिजर्विंग. तो बताइए सही आंसर क्या होगा? डिजर्व्स होगा, क्योंकि ईच ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा. बोलिए, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा. ईच ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा सर, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा. ओके, तो डिजर्व्स होगा. सबको समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? नो श्योर. थैंक यू. ऑलराइट, नाउ अब देखिए इसमें क्या होगा. सॉन्ग्स संग इन हिज मेमोरी, सॉन्ग्स संग इन हिज मेमोरी, तो क्या होगा बताइए. ऑलराइट, ए बी सी डी कौन सा होगा? ए नाउ, बी आई एम रियली सॉरी, सी यस एग्जैक्टली राइट. सी, सॉन्ग्स वर संग इन हिज मेमोरी, इन द मेमोरी. क्यों? क्योंकि जब भी टू बी वर्ब्स के बाद, याद रखिएगा टू बी वर्ब्स के बाद, जैसे आपके इज, एम, राइट, आर, वॉज, वर, इनके बाद जब भी कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो सेंटेंस पैसिव में बन जाता है, सेंटेंस पैसिव में होता है. बोलिए सर, टू बी, टू बी वर्ब्स इज एम आर वाज, वर्ब के बाद टू बी वर्ब्स इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो सेंटेंस पैसिव होता है. ये क्वेश्चन में मैक्सिमम इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पल, आई वाज रॉब्ड, आई वाज चीटेड, आई वाज लव्ड, I'm sorry, I was hated, I was respected. कुछ भी लगा दीजिए, इज एम आर वाज के बाद थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, पैसिव हो गया. बोलने में भी यूज होता है, लिखने में भी, एग्जाम में भी आता है. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वी बाय स्ट्रेंज साउंड, साउंड वी वर स्टार्टल्ड, We were startled माने होता है आश्चर्यचकित हो जाना. We were, बोलिए, We were startled by a strange sound, right? By a strange sound, I was astonished, I was surprised. ऐसे ही बोल लीजिए, ठीक है? All right. Next question है आपका. I have no control. इसमें आपको preposition भरना है. बहुत दो में ही हो जाएगा. आगे नीचे है ऑप्शन, दो तीन और है. ठीक है, दिखा देता हूँ. बताइए क्या होगा? आई हैव नो कंट्रोल ओवर होगा, एट होगा, आफ्टर होगा. ओवर, इन, ओवर, एट, आफ्टर, बताओ बच्चों क्या होगा? तो डेफिनेटली आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई टेम्पर. कुछ लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा जाते हैं. नो, नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है. I have no control over my temper. But guys, I have great control over my temper. Have you controlled over your temper? Yes, बोलिए. Yes, I have. Okay, next question. Okay, you should refrain. आपको इसमें preposition डालना है. You should refrain. Das करके telling a lie. तो refrain के साथ क्या लगेगा? जल्दी बताइए. जल्दी बताइए. वाओ, रिफ्रेन फ्रॉम, दो चार बार बोलिए, रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब दूर रहना. ओके, याद हो जाएगा, ऐसे बोल के याद करिए. आई वॉज डिप्राइव्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है. आई वॉज डिप्राइव्ड ऑफ, कितना अच्छा है. I was deprived of my father's property. Okay, my liberty. Deprived मतलब होता है बच्चे, लिख लेना हिंदी में, वंचित होना, वंचित होना. I was, बोलिए आप लोग, I was deprived of my father's property. I was deprived of my uncle's love. Right? Deprived of, deprived of, deprived of, deprived. ऐसी प्रैक्टिस कर डाली आप. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. He keeps, wow, he keeps, he takes pride his word, क्या होगा? In, from, of. He takes pride in, he takes pride in, he takes pride in, जैसे भी याद हो जाए, डांस करके, नाच के, गा के, जैसे भी तैयार हो जाए, मिस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन.
ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आई हैव गॉन, बताइए इसमें क्या मिस्टेक है, बताइए, वेरी गुड। आई हैव गॉन थ्रू, पकड़ लिया आप लोगों ने, आई हैव गॉन थ्रू मेनी हार्डशिप्स। गाइस, आई हैव गॉन थ्रू मेनी हार्डशिप्स, आई हैव गॉन थ्रू मेनी हार्डशिप, हैव यू गॉन थ्रू, यस सर, आई हैव गॉन थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार प्लीज, बिल्कुल डोंट शाई, अगर आप शर्माओगे ना तो अंग्रेजी ना ही आएगी, ठीक। और बोलोगे स्पीक एज मच एज यू कैन, ऑलराइट, नेक्स्ट वन, ओके। अब देखिए इसमें आपको बताना है, इसमें एक सेंटेंस सही है, करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है कि विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस। बेटे इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ही गेव मी अ न्यूज नहीं होगा, ही गेव मी अ पीस ऑफ न्यूज होगा, पता नहीं भगवान जाने, ही डिलीवर्ड न्यूज होगा, आई डोंट नो, ही गेव मी न्यूज, नाउ सही बताइए क्या होगा। वेरी गुड, ही गेव मी अ पीस ऑफ न्यूज, प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ न्यूज, आई गॉट अ पीस ऑफ न्यूज फॉर यू, राइट। आई थिंक व्हेन यू विल बी सिलेक्टेड, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके फ्रेंड कहेंगे वाओ, इट इज अ गुड पीस ऑफ न्यूज, ठीक है, ऐसे ही। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द एक्चुअल वॉइस। कई बार क्या होता है, सेंटेंस देता है, सेंटेंस में दिया हुआ वाक्य पैसिव है या एक्टिव है, एक्टिव है या पैसिव है, बताइए जल्दी करिए कौन सा होगा। आइडेंटिफाई द एक्टिव वॉइस, माय मदर मस्ट बी ऑर्डर्ड, माय ऑर्डर मस्ट बी ऑर्डर, नो नो नो, इट इज टाइम फॉर टू बी, इट इज टाइम टू टेक, इसमें आपको एक्टिव बताना है, पैसिव नहीं। अब अगला देखिए है क्या कोई, हु विल, देखिए who will forward your application, यही सही है, the motherland should be loved, ये passive में है, तो answer क्या होगा, she is right answer, okay, okay, wait 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 wait, okay, हाँ बताइए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आपके comfortability के लिए, बताओ बच्चों क्या होगा इसमें, which of the following sentence is इन पैसिव, इसमें पूछ रहा है पैसिव कौन सा है, जल्दी बताइए पैसिव कौन सा होगा। लेट हिम रीड अ बुक, ऑलवेज रीच द स्कूल टाइम, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क्स, यही सही है, यही सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पैसिव, इसमें आपको बच्चे ढूंढना है पैसिव कौन सा है, बताइए जल्दी करिए। One, please bring me a glass of water, cold water. Give salary to this clerk. Okay, always reach the school on time. It is requested. Definitely the right answer will be D. Okay, all right. So guys, go for the next question. बताइए, सर्च आउट द पैसिव वॉइस, पैसिव बताना है, आज तो ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं वो जान दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे भी एग्जाम्स आते हैं। प्लीज सिट डाउन, मोहन वॉज रीडिंग बुक नाउ, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय यस, यही होगा, ठीक है, यही होगा, ऑलराइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, आई शैल बी ओब्लाइज टू, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए फटाफट, आई शैल बी ओब्लाइज टू गो एक्टिव वॉइस, बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहीं लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आपको बताना है एक्टिव वॉइस, सर क्रिस्टमैसेज विल बी ओब्लाइज टू गो, राइट, तो ये होगा बेटे, सर्कमस्टेंसेस विल ओब्लाइज मी टू गो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आता है तो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ऑलराइट। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा, जल्दी बताइए फटाफट बताइए,
My hair are black, sorry. My hair are black, no, no, no. My hair is black. You guys, but I'm sorry. My hair is not black. Your hair is black. Yes, my hair is black. Okay, guys, मैं ऐसा मानता हूँ कि फन के साथ सीखने में enjoy, smile. Without tension you learn. सब कुछ सीख लेंगे आप. ठीक है? Smile and speak always. Alright, तो right answer होगा क्या होगा? My hair, right? Is black. तो right answer फिर से लगा दे रहा हूँ. My hair is black. Okay. Next question क्या होगा? She has been living here. बताइए इसमें क्या होगा? Death of her mother. बताइए कौन सा? Please. Okay. Definitely okay. एक ऑप्शन रह गया नीचे. I'm sorry. Since. तो भैया सही आंसर यही वाला होगा. Since my mother's death. ठीक. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Can a woman live? Soul is dead. Can a woman live? Right. Soul is dead. बताइए क्या होगा? पहले आप बताइए. बताइए तब मैं आगे बढ़ूंगा. Sorry. जल्दी करिए. Definitely. Whose soul is dead? Can a man live? Whose soul is dead? Can I live? Can anyone live? Whose soul is dead? Now. ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. She often goes to the cinema. What is the underlined word? इसमें बताना है कौन सा एडवर्ब है. इसमें मैं बता दे रहा हूं. She often goes. ध्यान दीजिएगा ये often जो है ये क्या है. Often क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब क्या है? और एडवर्ब है तो एडवर्ब में कौन सा है? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. Often माने अक्सर. I often go to watch movie. अक्सर जाता हूं तो फ्रीक्वेंसी है ना, ये बारंबार हो रहा है ना काम, ये तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा. ओके चलिए अगला क्वेश्चन होगा. ही इज, देखिए, He is an author and publisher. The correct choice क्या होगा? तो he is an author and publisher. Two होगा. तो right option क्या होगा? B होगा. Right option क्या होगा? B होगा. Clear? चलिए अगले question की तरफ बढ़िए आप. She slept soundly. Identify the nature of the underlined verb. जो ऊपर का sentence है बताएं क्या है? Transitive, intransitive, regular verb or incomplete prediction. कौन सा होगा? बताइए आराम से बताइए. Transitive, intransitive क्या होता है? जब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है उसे transitive कहते हैं. Right? जैसे I slapped the child. मैंने बच्चे को मारा, यूं घूम गया. Transitive. मेरे द्वारा किया गया कार्य से बच्चा प्रभावित हुआ. राइट. द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन. इसका मतलब ड्राइवर ने एनर्जी लगाई और ट्रेन रुक गई, तो ये ट्रांजिटिव. द बर्ड्स फ्लाई. चिड़िया उड़ती हैं. नहीं, ये क्या है? इंट्रांजिटिव. आई जंप. मैं कूदता हूं. ये इंट्रांजिटिव. तो दिया गया सेंटेंस क्या होगा बच्चे? इंट्रांजिटिव. तो राइट आंसर इंट्रांजिटिव. राइट आंसर इंट्रांजिटिव. क्योंकि सी स्लेप्ट साउंडली. वो आराम से सो गई. कोई दिक्कत नहीं, सो गई कोई प्रभाव नहीं. ठीक है. ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. शी हैड स्कैर्सली स्लेप्ट, है ना, हिज फ्रेंड केम. बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए. इसमें राइट आंसर क्या होगा? प्लीज बताइए. तो ही हैड, अभी बताया हूं कुछ देर पहले, मैंने आपको एक लेक्चर बताया था स्कैर्सली और हार्डली के साथ क्या लगता है. बताइए जल्दी करिए, गेस करके बताइए फटाफट. स्कैर्सली और हार्डली के साथ क्या लगता है? When scarcely hardly के साथ when लगता है. बोलिए दो तीन बार. Scarcely hardly के साथ when लगता है. Scarcely hardly के साथ when लगता है. चलिए आगे बढ़िए. लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या होगा? No sooner did he see the police ran away. जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा. बताइए.
बहुत अच्छा, नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, बोल दीजिए पांच बार, नो सूनर देन, 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 प्रैक्टिस करना याद हो गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, सेंड ओके सब्सक्राइब दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड सेंड द लिंक टू योर फ्रेंड्स। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, गुड डे ऑल एंड टेक केयर ऑल, बाय।